तो गाइस हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये रहा मेरा बाइक और ये रहा बैकपैक और एक और बंदा है जो मेरे साथ जाएगा। अरे नहीं ये नहीं, मेरा फ्रेंड है संदीप सिंह, वो जाएगा मेरे साथ। मस्त जोक मारा। और गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट ही है। तो अभी हम निकलते हैं और बाकी की बातें करते हैं बाइक पे। सो अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं इस सिटी का नाम है खरड़, पंजाब डिस्ट्रिक्ट मोहाली, और ये अपुन का इलाका है बॉस। अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सभी लोग, और आपका हमारे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि वीडियो के टाइटल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो हम लोग 2 साल बाद मनाली जा रहे हैं अभी, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन हो गया था, उसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो अभी इस साल हमें मौका मिला है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हम लोग वहाँ पे कसौल, मनीकरण, मनाली, अटल टनल, सोलांग वैली, और अगर हमें एक अटल टनल क्रॉस करने का मौका मिला तो अटल टनल के बाहर जो भी डेस्टिनेशंस है वो भी एक्सप्लोर करके देखेंगे। मतलब जहाँ जहाँ तक परमिशंस होगी तो वहाँ वहाँ तक हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी नया नया हिमाचल खुला है लॉकडाउन के बाद, तो वहाँ जाके पता लगेगा कि कई जगहों पर परमिशंस नहीं है तो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। तो गाइस अगर आप भी माउंटेन में घूमने के शौकीन हो तो आप इस व्लॉग को एंड तक देखना, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छी और बेहतर क्वालिटी के साथ आपको एक अच्छा व्लॉग बना के दूं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन का बटन दबा देना, ताकि हमें मोटिवेशंस मिले और आने वाले नेक्स्ट व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से आ जाए। गाइस वॉच द व्यू, अभी हम चाहेंगे साडे मजरौल साहब द ग्रेट जम्मे थोड़ी लेट। तेरे तो पहले जम्मे में, हाँ हाँ कहने में क्या जाता। तो गाइस यहाँ पे हम लोग रुके, अभी पराठे खाएंगे और मौज मनाएंगे। पराठे खाइए जी, हाथ हथ धो दिए। सैनिटाइजर वो बैग में देख लै, बैग दे साइड में, साइड में। यार ज़्यादा देर बाइक चलाने से बैक दुखने लग जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए ना हम लोग प्रॉपर बढ़िया सी जगह ढूंढ रहे हैं रुकने के लिए। सो गाइस करेंटली अभी हम हैं बिलासपुर में, और यहाँ का व्यू बड़ा अच्छा है। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रेस्ट लेने के लिए रुके थे ताकि बाइक्स को भी थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए। मतलब 8 बजने वाले हैं, 8 बजे हम पहुँच गए हैं 140 किलोमीटर आगे। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन होगी मनीकरण साहब, वहाँ पे कसौल आएगा पहले। इस बार ट्रैफिक बहुत है क्योंकि लॉकडाउन ओपन हुआ है, लोग निकले हैं घर से बाहर घूमने के लिए। ये कौआ अभी टाइम मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं, हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं बिलासपुर से, और इसके बाद 10 किलोमीटर आगे सुंदरनगर आएगा।
बेटा मेरे यार दोस्त का। तो ये था सुंदर नगर, यहाँ के व्यूज भी बहुत सुंदर है। तो अभी पीछे मैं स्नैपचैट स्ट्रीक बना रहा था ड्राइव करते हुए, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, आप कभी ट्राई मत करना और नेक्स्ट टाइम मैं भी नहीं करूँगा। हम लोग अभी मंडी पहुँच चुके हैं, यहाँ पे गुरुद्वारा साहब है हिस्टोरिकल श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, और यहाँ पे मत्था टेकेंगे हम लोग और फिर हम निकलेंगे आगे के लिए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हम लोग अभी निकल चुके हैं मंडी से और भैया जी आगे का जो रोड है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, अल्टीमेट बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है भैया जी। हम लोग इसीलिए घर से जल्दी निकले थे क्योंकि कई बार ट्रैफिक जाम लगा होता है, कई बार बारिश हो रही होती है, अब जगह फॉलिंग स्टोन एरिया है। और ये पंडोह डैम गजब व्यू है भाई। यहाँ पे पीछे चेकिंग चल रही थी, तो अगर आप भी यहाँ हो तो हुल्लड़बाजी बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो पुलिस धर लेगी भाई साहब। रोड तो बहुत ही शानदार है, एक तो लगेज इतना कैरी किया हुआ है, ऊपर से दो बंदे बैठे हम लोग बुलेट पे, मुझे अपना इतना नहीं है, पीछे संदीप बैठा हुआ है तो उसने पूरा लगेज कैरी किया हुआ है। मनाली जाते हुए ये टनल भी आती है रास्ते में, तो ये 3 किलोमीटर लंबी है। उम्मीद है कि टनल पार करने के बाद यार अच्छा रोड मिल जाए। अंदर से तो बिल्कुल ठंडी पड़ी है सुरंग, पूरी एसी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। सुरंग से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही ऐसा रोड मिला है। ओ बेटे मौज कर दी रे। तो ओबी का स्टेटस ये है, हम लोग भुंतर में प्रवेश कर चुके हैं, टाइम अभी 3 बजने वाले हैं, बोले तो ब्लॉग बनाते बनाते पहुँच जाएंगे। हम लोग तो साइड से निकल जाएंगे लेकिन कार वाले फंस जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से मनाली 50 किलोमीटर और मनिकर 35 किलोमीटर। यहाँ से आगे जाके लेफ्ट साइड में बड़ा ब्रिज आएगा मनाली जाने के लिए, वो क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन हम लोग राइट साइड से सीधा निकल जाएंगे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मनिकर। काश मेरे पास एक ड्रोन होता, लेकिन मैं गरीब हूँ। बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब सामने का नजारा देखो, गाइस हम लोग अभी कसौल पहुंचने वाले हैं। तो रास्ते में इतना ज़्यादा पैच ख़राब था ना मंडी के बाद, धूल मिट्टी से आंखें भर गई हमारी और बिल्कुल भी कहीं पे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, अपनी शक्लें गंदी लगने लग गई। अभी हमने मुंह धोया है तो इसलिए थोड़े साफ़ हुए हैं, ये तो मिट्टी से पूरा भर गया था, अभी भी गंदे ही है। आप ये देखो, ये देखो सर, आँखें लाल हो गई, बाइक का हाल देखो। वहाँ पर ये रास्ते ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, अपने आपको तो उसके लिए तैयार करके आइएगा। अब पता नहीं लैंडस्लाइडिंग हुई है या कंस्ट्रक्शन कोई सड़कें चौड़ी कर रहे हैं या कुछ, जगह पे रोड अच्छी है, मन करता है ड्राइव अच्छी करने का। जहाँ पे हम खड़े हैं वो रोड बहुत अच्छा है, आज ये देखो। हमें कसौल में रुकने का मौका नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो लगेज कहीं पे रख के सेफ्टी से घूम नहीं सकते थे सर। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे रूम लेके मान वगैरह शिफ्ट करेंगे, उसमें उसके बाद हम निकलेंगे कसौल एक्सप्लोर करने। तो दिस इज द व्यू ऑफ मणिकर्ण साहिब। हाँ अच्छा सही है। अभी हम निकले हैं कसौल एक्सप्लोर करने, तो मणिकर्ण साहिब में हमने रूम ले लिया, वहाँ पे अपना लगेज शिफ्ट कर दिया है, तो अभी कसौल जा रहे हैं, वहाँ एक्सप्लोर करेंगे कसौल। और इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना।
गाइज अभी हम कसौल पहुंच चुके हैं और ये हमने अपनी बुलेट पार्क कर दी है यहाँ पे। ये हमारे भाई साहब बजरोल साहब, लेट्स एक्सप्लोर कसौल। यहाँ पे रेडियां रूडियां लगी हुई हैं समोसों की, लेकिन अब है नहीं बंदे, वो पता नहीं कहाँ गए, अगर होते तो मैं खा लेता। ए चुप है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ के व्यू और KTM, ये हैंडमेड बैग्स। तो ये गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये अंदर की मार्केट है कसौल की, जो यहाँ पे खासकर रहने आते हैं, होटल्स वगैरह में कैंपिंग करने आते हैं। हम लोग उधर से वापस आ गए हैं, सब कुछ मार्केट कम होनी शुरू हो गई थी। तो गाइस मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसी है, वीक है थोड़ी, तो काम चला लेना, समय तो आ ही जाएगी आपको। गूगल पे पेटीएम वगैरह नहीं भी? कितना टाइम लगेगा? हैंडमेड है या वो मशीन वाली है? रेगुलर कॉफी है। मशीन वाली है अपने पास? मौसम खराब होते हुए बारिश आ ही गई है। कॉफी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग भी, ये गुटलक वाला अपनी बाइक पे लगा रहे हैं। अगर आपने भी कभी अपनी गाड़ी या बाइक पे ऐसा लगवाया हो साइन, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ਸਾਈਡ ਪਰ ਰੱਖੀ ਐ ਇਦਾਂ ਨਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੁੰਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ? ਤੇਰੀ ਮੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਧਰੋਂ ਬਣਾ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਇਦਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਵਤੀ ਰਿਵਰ। ये यहाँ पे लोगों ने ताले लगाए हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई तो मकसद होगा इसका। बहुत ही बेहतरीन व्यू। तो गाइस आज की जर्नी हमारी बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ही ज़्यादा सेफ रही, और ये ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम मनाली जाएंगे, उसके बाद अटल टनल भी देखना है, फिर उसको क्रॉस करके जो भी लोकेशंस आएंगी वो भी एक्सप्लोर करनी है। मतलब इस ट्रिप में बहुत कुछ पड़ा है अभी देखने के लिए। तो आप यहाँ तक आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, और नेक्स्ट व्लॉग्स में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।